हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेपी स्टडी सेंटर में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ के जो हिंदी है गोधली, उसमें जो गद्य खंड का जो पहला चैप्टर है जाति प्रथा, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, उसका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो कि आपके क्लास टेंथ के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आपको पूछ ही लिया जाता है एक नंबर में, इसलिए इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का आप लोगों को पढ़ने का बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। यह एक निबंध है जिसके लेखक है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। चलिए इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? आंसर ए में डॉक्टर राम मोहन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी में है महात्मा गांधी जी तथा डी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन के लेखक जो है वह भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, बी है बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी में है उत्तर प्रदेश। इसका आंसर जो हो जाएगा ए मध्य प्रदेश, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश। तीसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म अभी मैं आंसर में क्या ऑप्शन ए में 20 अप्रैल 1882, बी में 14 अप्रैल 1891 में, सी में 14 अप्रैल 1892 में तथा डी में 28 अप्रैल 1893 में। इसका जो आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म है। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश राज्य में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए में कहानी, बी में है कविता, सी है निबंध, डी है कथा आत्मकथा। इसका जो आंसर हो जाएगा यह निबंध। बाबा साहब के जो जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन में हुआ है निबंध है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एलिहिएशन ऑफ द कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ऑप्शन ए है ददई सिंह यादव, बी है ददई सिंह यादव, सी है रूपक सिंह यादव और डी है ललन सिंह यादव। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ननई सिंह यादव, जिन्होंने इनका जो प्रसिद्ध भाषण है एलिहिएशन ऑफ द कास्ट इनका हिंदी रूपांतरण किया था। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए में क्या है बुद्ध, बी है कबीर, सी है ज्योतिबा फुले और डी है उपयुक्त सभी। इसका जो आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि इनका जो प्रेरक व्यक्ति थे ये तीन आदमी को मानते थे, बुद्ध को, कबीर को और ज्योतिबा फुले को। चलिए हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन है, मानव मुक्ति के क्रोध किसे कहा गया? ऑप्शन ए में नलिन विलोचन शर्मा, बी में यतेंद्र मिश्र, सी है अमरकांत और डी है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है? ऑप्शन है ए जाति प्रथा, बी दहेज प्रथा, सी है शिक्षा तथा डी में है भ्रष्टाचार। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन के अनुसार वह है जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जाति प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धा एंड हिज धर्म के लेखक कौन है? ऑप्शन है नलिन विलोचन शर्मा, बी है गुणाकर मुंडे, सी है भीमराव अम्बेडकर एंड डी में है बिरजू महाराज। इसका जो आंसर हो जाएगा बुद्धा एंड हिज धर्म के लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दसवां, उसमें भाईचारा का दूसरा नाम क्या है? तो भाईचारा का दूसरा नाम उसमें ऑप्शन ए है राजतंत्र, बी है लोकतंत्र, सी है श्रम और डी है सहयोग।
पर राज भाईचारा का जो दूसरा नाम है वह लोक तंत्र, जिसमें जनता का शासन होता, सब मिलजुल कर रहता है, सबका सहयोग होता है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर का निधन कहाँ हुआ था या कब हुआ था? तो उनका जो निधन हुआ था 1955 में, ए 1955, बी 1956, सी 1957 तथा डी 1958। तो बाबा साहब का जो निधन हुआ था वो 1956 में हुआ था, दिल्ली में इनका देहांत हो गया था बाबा साहब का। फिर 12वां क्वेश्चन, हु आर शुद्राज किसकी रचना, हु आर शुद्राज किसकी रचना? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी है यतेंद्र मिश्र, सी में है भीमराव अम्बेडकर, डी में है मैक्स मूलर। तो बाबा हु आर शुद्राज किसकी रचना, इसका जो आंसर हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अम्बेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व समान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया? पहला क्वेश्चन है अछूतों के लिए, ए में अछूतों के लिए, बी में स्त्रियों के लिए, सी में मजदूरों के लिए, डी उपयुक्त सभी। तो महात्मा गांधी अछूत, स्त्रियों तथा मजदूर वर्गों के लिए, तो सबको न्याय दिलाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किए, इसका आंसर हो जाएगा डी। चौथा 14वां क्वेश्चन है, किनके प्रोत्साहन पर अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? आंसर ए में बाबा नरेश, बी में ग्वालियर, सी में जयपुर नरेश, डी में महात्मा गांधी। इसका आंसर ये हो जाएगा बड़ौदा नरेश, क्योंकि बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से अम्बेडकर ने उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए, न्यूयॉर्क अमेरिका गए, उसके बाद अमेरिका से लंदन गए, इंग्लैंड। फिर 15वां क्वेश्चन अगला क्या, द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए में लिखा हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में भीमराव अम्बेडकर, सी में अमरकांत और डी में मैक्स मूलर। तो द कास्ट इन इंडिया यह जो भीमराव अम्बेडकर जी की पुस्तक था। बाबा साहब के संपूर्ण वांग में कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? इनका जो टोटल वांग में जितने भी रचनाएं, भाषण चाहे जो भी चीज़ें, इनके टोटल 21 खंडों में प्रकाशित है, इसका आंसर डी हो जाएगा 21 में। फिर 17वां क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण माहौल के किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था? ऑप्शन ए में 1932, बी 1936, सी 1937, डी 1938। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1936, क्योंकि यह जो लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के लिए तैयार किया गया था, लेकिन क्रांतिकारी के अधिवेशन के चलते यह स्थगित कर दिया गया और नहीं हो पाया। फिर अगला 18 में, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है, यह कथन किस पाठ से दिया गया? ऑप्शन ए में शिक्षा और संस्कृति, बी में मछली, सी श्रम विभाजन और जाति प्रथा, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए, ये वाला जो कथन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए में बेरोजगारी, बी गरीबी, सी में अमीरी और डी में उद्योगों की कमी। इसका जो ऑप्शन ये हो जाएगा, भारत में गरीबी का जो मुख्य कारण है वो है बेरोजगारी है, क्योंकि यहाँ मनुष्य को अपने रुचि के आधार पे काम नहीं मिलता, इसको पैसे और जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे दिया जाता है, जिसके वजह से बेरोजगारी का रूप ले लिए हुआ है जाति प्रथा। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने थी? ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी ज्योति फुले और डी में जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के संविधान के निर्माण में सबसे अधिक भूमिका किसी के रहा है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन ए इनका सही हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। अगला 21 क्वेश्चन है, जो अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन ए ब्राह्मण परिवार, ऑप्शन बी क्षत्रिय परिवार, ऑप्शन सी दलित परिवार, ऑप्शन डी कश्यप परिवार। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो जन्म हुआ था एक दलित परिवार में हुआ था, ऑप्शन सी सही होगा।
क्योंकि इनका जन्म एक दलित परिवार में 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था, एक दलित परिवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुआ है? तो ऑप्शन में यह स्वतंत्रता का रूप लिए हुआ, श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुआ, भाईचारा का रूप लिए हुआ, सी डी, इनमें से कोई नहीं। तो जाति प्रथा श्रमिक विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुआ, श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुआ, और इसके पोषक इसका समर्थन भी करता है कि श्रम विभाजन अच्छा है, यह आवश्यक है कार्य समाज के कार्य कुशलता के लिए, लेकिन ये गलत है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुआ है जाति प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कहाँ हुआ? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का मृत्यु कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में बिहार, बी में दिल्ली में, सी क्या पंजाब में, तथा डी मध्य प्रदेश में। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो जन्म हुआ था वह 1956 में दिल्ली में हो जाता है, इसका ऑप्शन बी सही होगा, दिल्ली। मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना? ऑप्शन ए दहेज प्रथा को, ऑप्शन बी जाति प्रथा को, ऑप्शन सी सती प्रथा को, ऑप्शन डी बाल विवाह प्रथा को। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आर्थिक दृष्टि से भी जाति प्रथा को खतरनाक प्रथा माना। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।